ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, हम लोग लाइक सुबह 10:15 भी हो रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो है सुबह सहरी वगैरह करके हम लोग वापस सो गए थे नमाज और कुरान पाक पढ़ के। तो हमारा इरादा था आज के हम लोग सुबह में, हमने बिल्कुल लाइक सोचा था बिल्कुल अंग्रेज उस तरह हम लोग सुबह में जल्दी निकलेंगे, वॉक करेंगे 6 बजे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सिटी सेंटर आएंगे, वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ ग्रॉसरी भी करनी है, फूड से कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो वो कर लेंगे। और थोड़ा सा यू नो एक वॉक शॉक कर लेंगे और सुबह का यू नो एक वाइब ले लेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि मुझे वांटेड टू स्लीप, ठीक है। और मुझसे रात को प्रॉमिस किया था कि हमने पूरा प्लान बनाया था कि यार हम लोग ऐसे 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 ये टाइम होगा और इस तरह से हम लोग निकलेंगे। एंड देन सडनली ही जस्ट गॉट बैक टू द बेड एंड स्लेप्ट, ठीक है, फॉर लॉन्ग 2 to 3 hours, ठीक है। एंड सहरी करने के लिए सर अभी जो है फिर हमने बड़ी मुश्किल से इनको जो है उठाया और फिर हमने कहा कि यार चलो निकलते हैं ना ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ा भी है और ग्रॉसरी जो है इतनी तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं और जाहिर सी बात है इसके अलावा जो है ना कुछ शॉपिंग भी करनी थी फूड से, और वो भी करनी है ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो यार निकलते हैं। और फिर शाम को या दोपहर को ना बड़ा थकन हो जाती है, रोज़ा भी है ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा था कि हम आ जाएंगे जल्दी। तो बस ये ही सीन है, अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट हम लोग सिटी सेंटर पहुँच ही चुके हैं। एंड आज मौसम बहुत अच्छा है, सरप्राइजिंगली बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, द वे आई लाइक द वेदर हियर। सो या आई एम यू नो लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फर्दर, एंड आई एम होपिंग कि आज जो है वो रेन वगैरह नहीं होगी, फिंगर क्रॉस्ड, यू नो कुछ भी हो सकता है किसी भी मोमेंट पे। सो इतनी हाई होप्स नहीं रखनी है वेदर से, सो दैट्स द अपडेट, सो विल सी इन अ व्हाइल। शॉप है वहाँ पे H&B के नाम से, वहाँ पे ये प्योर हनी है, तो हमने ये लिया है अभी। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो आपको ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये देखो स्किन केयर आइटम्स भी हैं काफ़ी उनके पास, ऑप्शंस हैं यहाँ पर बेसिकली। एंड ये हमने जो है ना हॉलैंड एंड बैरेट यहाँ से लिया है, ये मानुका हनी राइट, इट्स मानुका हनी। और एज़ पर माई हस्बैंड ये बहुत ज़्यादा प्योर हनी है, लाइक प्योर वन, ठीक है। तो बस हमने ले लिया है, सो या अभी हमने शॉपिंग तो कर ली जो लेनी थी चीज़ें बूट्स वगैरह से, और हम लोग परफ्यूम ट्राई कर रहे थे मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मुझे लगा कि यार उसका कैप जो है वो कैप लगा हुआ है और वो कैप है, लेकिन जो है ना वो असल में कैप नहीं था, और वो बॉटल जो है ना मैंने सीधी जो है ना अपनी आँख में स्प्रे कर दी, जिस वजह से मेरी आँख जो है ना ये वाली राइट वाली इतनी ज़्यादा जो है ना वो जलन हो रही है, सेंसेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने वॉश भी किए 2-3 बार जाके वॉशरूम में, बट स्टिल जो है ना अभी भी रेड हुई हुई है बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा होगा या नहीं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ही जो है ना बुरे हालात हैं आँख के। तो मैंने 2-3 बार उसको अच्छे से धोया, उसके बाद जो है ना जाके थोड़ी बेहतर हुई है हालत, अदरवाइज़ तो वही बहुत बुरे हालात थे। खैर अपडेट ये है कि हमने शॉपिंग वगैरह तो कर ली है, और बाकी है कि यहाँ पर हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं। ये देखें कितना रश है, रश देखें आप, चेक करें रश, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और तो हर लाइक हर वीकेंड में इतना रश होता है। अभी
शॉपिंग जो करनी थी वो तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अभी जो है ना, अभी जो ग्रॉसरी करनी है वो हमने नहीं की है, तो ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं अभी। और सो या दैट्स द अपडेट। क्या हुआ? देखिए कितनी कूल चीज़ है ये ना, मसाजर है बेसिकली, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं इससे जो है ना इंटैक्ट हो गई हूँ। एंड मैं उस वक्त कह रही हूँ हम खरीद लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा यार, बहुत ज़्यादा जो है ना, और इतना ज़्यादा सूदिंग है। अभी तो मैंने हाथ रखा हुआ है ना, इसको बेसिकली ऐसे आप लाइक चेयर पे रख के इस तरह से आप अपनी बैक जो है उसको मसाज दे सकते हैं, और इसके फोर और रोटेटिंग प्रेशर पॉइंट्स हैं। एंड इट फील्स सो ग्रेट यार। ऐसे मेरे पास ना ये आई मास्क भी है, ये वाला ना, इस तरह से, नॉट लाइक इस कंपनी का, और वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, लेकिन ये कि वो बहुत अच्छा है, इस तरह से चार्ज भी हो सकता है, और इस तरह से जो है ना वो आप लगा लें आँखों के लिए, अगर आपकी आँखों में पेन है या कोई भी मसला है तो दिस विल हेल्प अ लॉट। और यहाँ पे मैंने देख ली, ये देखो फुट मसाजर भी है, इस तरह से डिफरेंट है, लेकिन मैं इंक्रीज हो गई हूँ इससे। मैं उस तरह को कह रही हूँ ये मैं मुझे चाहिए, मैं ले रही हूँ इसको, मैं उस तरह को कह रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बैक मसाजर दिखाया था, लेकिन यहाँ पर जब मैं इस साइड पर आई ना, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाजर्स थे डिफरेंट। लाइक ये जो सबसे नीचे रखा हुआ है, ये तो फुल बॉडी मसाजर है, तो मैंने कहा कि यार चलो हम ज़रूर लेंगे, और मे बी हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे ये ले लेंगे। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है पिंक कलर में, यू नो बहुत प्यारे लग रहे हैं घर में रखने के लिए ना, एस्थेटिक के लिए, वेरी क्यूट। मैंने कहा आपके लिए छोटी सी एक वीडियो शूट कर लूँ यहाँ से होम के, क्योंकि आप लोग कितनी, आप लोग पसंद करते हैं बाहर की वीडियोस, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं बाहर की वीडियोस ज़्यादा बनाऊं, तो मैंने कहा कि चलें आपके लिए कुछ कैप्चर कर लेते हैं थोड़े से क्लिप्स। मुझे यहाँ से लेना तो कुछ नहीं है, बट ये कि यहाँ का होम सेक्शन जो है ना वो काफ़ी अच्छा है यार, होम सेक्शन इज़ लाइक वेरी रियली गुड। ऐसे मैंने कभी लिया नहीं है यहाँ से, बट आई कैन सी द क्वालिटी एंड द स्टफ, वेरी रियली रियली मैचिंग, इट्स रियली अमेजिंग। पूरा होम सेक्शन है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यार, झूठ के लाइट्स, एंड लुक एट दिस क्यूट, ओह माय गॉड इतना चमक रहा है यार। कैंडल होल्डर है बेसिकली, ये रखें आप घर में तो कितना चमकीला चमकीला हो जाएगा पूरा घर, ये पूरे कैंडल होल्डर्स हैं बेसिकली। इट इज सो क्यूट, ये देखें पम्पकिन कैंडल, रियली क्यूट, सो क्यूट। होम सेक्शन कभी ऐसे कुछ एक्सप्लोर किया नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई नेवर गॉट द टाइम, और ये इतना बड़ा है प्राइमार्क है यहाँ का, तो कभी जो है ना टाइम ही नहीं मिला, और हम लोग आते हैं तो इतना कोई इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितने प्यारे हैं ना, इतना प्यारा बॉल है यार, इट इज़ सो क्यूट, अमेजिंग। £4 का, जस्ट £4। अरे ये छोटी प्यालियाँ हैं, ये बहुत छोटी प्यालियाँ हैं, एंड लेट मी शो यू समथिंग, कितना प्यारा है ना, इट इज सो क्यूट यार, कितना प्यारा एस्थेटिक लग रहा है यार। मुस्तफा इधर आने, ये देखो इतना क्यूट है यार, मग्स, एंड OMG कितना प्यारा कलर है यार, ओहो कितना क्यूट है यार मुस्तफा,
It's £3. ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी, यहाँ पे बर्तन भी हैं इतने प्यारे प्यारे कलर्स के, है ना। और ये देखें, आज हमारे पास ना सामान काफ़ी ज़्यादा है। ये पास्ता बॉल्स हैं, ये ग्रीन कलर में, बहुत प्यारा कलर है। तो एंड द क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड। ये वाला तो सिंपल है, ये बॉल मुझे बहुत पसंद आए। और लेकिन अभी हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, तो मैंने कहा कि अभी नेक्स्ट वीक हम आएँगे तो फिर मुझे यहाँ से ये लेने हैं, ये वाले बॉल। हो सकता है मैं ये वाले ले लूँ या हो सकता है मैं ये वाले ले लूँ, हस्बैंड को ये वाले पसंद हैं। तो लेट्स सी कौन से वाला ज़्यादा अच्छे, मतलब कौन सा वाला लूँगी मैं। लेकिन मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मतलब ये वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। तुम्हें नहीं अच्छे लगे ये वाला बॉल? मुझे वो वाइट कलर द नहीं, दिस वन मार्बल ओके, मुझे ये अच्छा लगा। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रा मीठा मीठा खाने के लिए आजकल ऐसे ही चलते हैं, वरना फिर दूसरे ये वाले हैं, ये वाले। लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत छोटे हैं, ये वाला बहुत छोटा है, लेकिन बर्तन अच्छे हैं यार यहाँ पे। अच्छा मैं इस साइड में ना पहली बार आई हूँ, इनका होम सेक्शन जो है ना, मैं मतलब इस साइड जो टिपिकल जो बर्तनों वाला साइड है ना, ये मैंने पहली बार ही देखा है ये इस सेक्शन में। बाकी इसके इनके ये लाइक ये पूरा बाथ एंड स्टोरेज एंड बेड बेडिंग उस साइड पर है। और ये देखें सारी बाथ की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पहली बार ही एक्सप्लोर किया है। वेरी क्यूट, इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी क्यूट लगती हैं, इंट्रीक करती हैं कि इतना बाय कर ले। और आई एम नॉट गोना बाय दीज, यू नो, रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए घर में आपके। मैंने कहा आपको अपडेट कर दी जाए, हम अभी अभी घर पे पहुँचे हैं जस्ट राइट नाउ, ठीक है। और अभी बस ग्रॉसरी रखी है एंड मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए, तो मैं आपसे बात कर लूँ। अब ग्रॉसरी खैर कोई ख़ास नहीं, बस फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, मतलब ख़त्म नहीं लेकिन फ्रूट्स लेने थे, तो कुछ स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह ख़त्म हुई थी तो वो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। एप्पल्स बनाना, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली फ्रूट चाट बन रही होती है, तो ये सीन है। और बाकी ये कि बाकी राइस वगैरह ख़त्म हुए थे, उसकी वजह से वो हमें मिले नहीं जहाँ से हम लेते हैं, तो हमें उसकी वजह से एजडा जाना पड़ा। तो वहाँ से खैर मिल गया, अल्लाह का शुक्र है मिल गया। और अभी जो है इफ्तारी बनानी है, और आज हमने ये डिसाइड किया है कि इफ्तारी बनाने की बजाय हम डायरेक्ट खाना ही बना लेते हैं। और खाने के लिए जो है हस्बैंड ने फरमाइश की आलू गोश्त बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी मैं रख देती हूँ आलू गोश्त पकने के लिए, और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी क्योंकि मेरी जोहर भी निकल गई है और कज़ा हो गई और असर भी। तो अभी जो है वो असर का तो टाइम है, लेकिन ये कि कज़ा मेरी हो गई है, जोहर मेरी कज़ा हो गई है, तो बस पहले जो है वो गोश्त को पकने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं फटाफट नमाज भी अपनी पढ़ लूँगी उसके बाद, एंड फिर उसके बाद मैं इफ्तारी बनाऊँगी। तो इफ्तारी बस ये कि हमने मिलकर बनाने का सोच लिया है, और आज बस आलू गोश्त बनाएंगे और साथ में वाइट राइस बनाएंगे, और उसके साथ जो है थोड़े से पकौड़े मैंने कहा मैं बना लूँगी। तो दैट्स इट, ये आज की हमारी इफ्तारी हो गई। तो चलो मैंने कहा ठीक है, हस्बैंड ने कहा तो मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। डेली फ्राइड आइटम्स जो है ना वो इतना खाए भी नहीं जाती हैं, तो इस वजह से, और बाकी फिर भी पकौड़े फिर भी फ्राई होंगे, पकौड़ों के बगैर जो है ना वो इफ्तार मेरा ख्याल है सबकी ही अधूरी होती है, तो ये तो एक मैंडेटरी चीज़ हो गई है। तो बस ये अपडेट है, और अभी जो है सबसे पहला काम जो है ना जल्दी से खाना पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो बीफ है, बीफ या लैम है ये देखना पड़ेगा मुझे, तो उसको पकने में ऑब्वियसली टाइम लगता है प्रेशर कुकर के बगैर, तो उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी ग्रॉसरी समेटूँगी और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, और फिर इफ्तारी में तो आज जैसे पकौड़े बनेंगे और बाकी खाना ही है। सो यार दिस इज़ द अपडेट, तो मैंने कहा मैं आपसे अपडेट दे दूँ आपको फटाफट से, जल्दी से आपको बता दूँ मैं। और बाकी ये कि बस आते आते इतनी तेज़ बारिश होने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है हमें बस जो है वो टाइम पे मिल गई,
तो जिस वजह से हम घर पे पहुंच गए टाइम से. सो या दिस इज द अपडेट. अच्छा आज ये वाला हनी लिया था, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. तो बेसिकली ये है हनी, ठीक है, मनुका हनी इसको कहते हैं, ठीक है, MGO 40 प्लस प्योर हनी है ये. इस वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, 34 या 35 पाउंड की एक बॉटल है ये. बेसिकली ये सेम ही है, ठीक है, तो ये जिस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जस्ट बिकॉज कि यार ये प्योर है और इस वजह से, और न्यूजीलैंड के रीजन में ये बनता है बेसिकली. इसके अलावा ये कुछ बूट की शॉपिंग है, ठीक है. ये जो है इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, और इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ये लाइक स्क्रब वगैरह लिए हैं, ये बॉडी क्रीम है बेसिकली, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बेसिकली. और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर कुछ ये देखें फेस मास्क वगैरह हैं, चारकोल और टी फेस मास्क है, ये पील ऑफ मास्क है बेसिकली, ठीक है. तो अगर आपकी स्किन जो है वो सैग हो गई है उसके लिए बहुत अच्छा है, पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन ब्लैक हेड्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है. तो एक ये है, ये मैंने पहले भी इसका जो है ना इसका मैंने फेस वॉश यूज़ किया है, ठीक है, फॉर्मिंग फेस वॉश है बेसिकली, तो बहुत सूदिंग होता है, एक्नी में बहुत अच्छा रहता है. इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं ये इसमें, और ये देखें, ठीक है, ये देखें काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी और क्या लिए, हाँ एक ये भी है, ये देखें, ठीक है, ये निविया का घर में यूज़ करने के लिए ये बहुत सही रहता है. तो खैर ये सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ. इसके अलावा जो है, इसके अलावा भी शॉपिंग तो इसके अलावा भी करनी है, लेकिन ये कि टाइम नहीं मिल रहा, और तो इस वजह से. अच्छा एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी मदर के लिए लिया है तो मैं उनको भिजवाऊंगी बेसिकली, क्योंकि आपको पता है ऑल यू नो वहाँ पर पाकिस्तान में गैस का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं उनको ये भिजवाऊंगी, उनके लिए मैंने लिया है. और ये ओपन करके भी मैंने इसको मैंने एक दो बार यूज़ भी करके देख लिया था, ठीक है, चेक कर लिया था मैंने, ताकि अगर कोई मसला वगैरह हो तो फिर मैं रिटर्न करके दोबारा से ले लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला तो नहीं है. तो मेरा जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक तो ये भी है, स्विच लगता है, प्लग लगता है इसका, लेकिन ये ऊपर से इसका जो है ना ये इस तरह का है हॉब है बेसिकली, और मतलब लाइक इसकी जो प्लेट है ये स्टील की प्लेट है, ये पूरी स्टील का है, और क्लीनिंग में बहुत आसान रहेगा, इजी रहेगा इसकी क्लीनिंग जो है, मुझे ये लगता है, ठीक है. और ये इस तरह का मिनी हॉब है, ये छोटा है और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, एक टाइम पे दो चीज़ें कुक हो जाएंगी, तो मुझे काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन लगा. यूजुअली जो इस तरह की चीज़ें होती ना वो उसमें एक आता है, सिंगल स्टोव आता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे दो मिल गए थे, तो मैं काफ़ी अरसे से मैंने इसको देखा हुआ था, मैंने कहा यार ये मुझे लेना है, अपनी मदर के लिए लूँगी मैं लाजमी. मैंने कहा आपको आज की इफ्तार भी दिखाता हूँ फाइनली, ये थोड़ा ये सैलड बना है, और ये थोड़े से मैंने पकौड़े बना लिए थे बिकॉज हस्बैंड के लिए, एंड ये राइस है साथ में, और इसके साथ मैंने बनाया है आज आलू गोश्त, बहुत मज़े का है, दिखने में एटलीस्ट बहुत मज़े का लग रहा है. अभी तो ऑब्वियसली रोज़ा जो है वो हम खाना खाएंगे, रोज़ा तो खैर इफ्तार हो गया है, बाकी ये देखें कितना मज़े का है. बीफ मैंने बनाया है, ठीक है, बीफ आलू गोश्त नहीं आलू क्या बोलते हैं आलू गोश्त है ना, मतलब ये बीफ का गोश्त है बस बेसिकली, और साथ में ये शरबत ऑब्वियसली. सो दैट्स द अपडेट. सो या इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूंगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.